नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज की कक्षा में आप सभी का। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय, कक्षा 7वीं, अध्याय है 4 और इसका शीर्षक है वायु। वायु क्या है बच्चों? आप जरा देर के लिए अगर अपनी नाक बंद करें तो आपको पता चल जाएगा कि वायु क्या है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक तत्व है। बिना हवा के, बिना पवन के क्या हम जीवित रह सकते हैं? हम ही क्या, ये पेड़ पौधे जीव जंतु सारी सृष्टि की जो भी जीवधारी लोग हैं वो वायु की आवश्यकता को समझते हैं। हम समझे या ना समझे लेकिन वायु हमारे प्राणों का आधार है ना? तो यही वायु जो है वो किस प्रकार हमें प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, क्या इसमें जो गैसें हैं उनके अलग अलग नाम हैं और वायुमंडल में किस प्रकार इनका जमाव है, किस तरीके से ये स्थित हैं, ये सब हम लोग देखेंगे और वायु के रूप भी देखेंगे कि वायु किस प्रकार अलग अलग रूप लेती है, कभी विनाशकारी भी हो सकती है और उपयोगी तो है ही। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं, देखते हैं कि वायु की आवश्यकता किस प्रकार है हमको। ये तो था हमारा शीर्षक वायु। अब देखें कि वायु की आवश्यकता हमें किस प्रकार है। पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाने के लिए, ठीक है, पृथ्वी है हमारा ग्रह, है नीला ग्रह है ना। अब इसके ऊपर वायुमंडल का एक आवरण है, तो वो क्या करता है, वायुमंडल के द्वारा सूर्य है जो हमारी पृथ्वी को गर्म कर रहा है, तप्त कर रहा है, तो वायुमंडल की जो हवाएं हैं वो पृथ्वी के वातावरण की गर्मी को इतना ही रखती हैं जिसमें हम प्राणी मात्र जीवित रह सकें। बहुत अधिक गर्म अगर पृथ्वी हो जाएगी तो भी हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, और बहुत अधिक ठंडा हो गया पृथ्वी का तापमान तो भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वायुमंडल और ये जो वायु की चादरें हैं जो हमारे पृथ्वी को ढके हुए हैं, उसी के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान सिस्टमेटिक बना हुआ रहता है, न कम न ज्यादा, ठीक है। और दूसरी आवश्यकता है सूर्य किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए। तो सूर्य की जो किरणें हैं उनमें आपने अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें ऐसा नाम सुना होगा, तो पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम भी वायु ही करती है, ठीक है। वायु की परत है पृथ्वी के ऊपर जो हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। श्वसन क्रिया के लिए जितने भी जीवधारी हैं वो श्वास लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, तो फिर श्वसन क्रिया के रूप में सृष्टि को चलाने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वायु से। तो है ना वायु हमारे लिए आवश्यक। अब हम देखेंगे वायु का संगठन। ये वायुमंडल है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, तो इसमें आपको नीले रंग की मात्रा सबसे अधिक दिखाई दे रही है, ये कौन सी गैस है? तो नीले रंग में जो आपको हम दिखा रहे हैं इस गोले में 78% के साथ में प्रथम स्थान पर है नाइट्रोजन। मतलब कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है बच्चों? नाइट्रोजन की। इसके बाद हरे रंग में हमको दिखाई दे रहा है, क्या है वो, 21% के साथ है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो गई दूसरे नंबर पे। और ग्रे रंग से, स्लेटी रंग की छोटी सी पट्टी आपको दिखाई दे रही है ना, वो टोटल 100 में से एक स्थान है। अब इसमें बहुत सारी गैसें हैं, इनके अलग अलग नाम भी हैं, पर हम उनको एक साथ रख के कहेंगे अदर गैसेस, मतलब अन्य गैसें। तो पहले स्थान पे है नाइट्रोजन, दूसरे स्थान पे है ऑक्सीजन और तीसरे में अन्य गैसें आती हैं। तो ये क्या हो गया, संघटन हो गया कि वायुमंडल में गैसों का की मात्रा कितनी कितनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले वाली जो गैस है वो कौन सी है। ये है हमारी प्रमुख गैस, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो
नाइट्रोजन का प्रतिशत आपने अभी देखा 78 है और ऑक्सीजन का है 21%। अब 1% में कौन कौन सी गैसें आती हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन और अन्य कुछ और भी गैसें हैं, उनके और भी नाम हमको मिलते हैं, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में और ये पौधों के लिए अति आवश्यक होती है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, लेकिन जब हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं तो साथ में कुछ मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो क्योंकि नाइट्रोजन हमारे श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी नहीं है लेकिन पौधों के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो पौधे क्या करते हैं, कई रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और सीधे वो नाइट्रोजन को नहीं ग्रहण करते बल्कि नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये नाइट्रेट पौधों में कैसे बनता है? जीवाणुओं के द्वारा। अब ये जीवाणु कहाँ रहेंगे? पौधों की जड़ों में। देखो कुछ पौधों की जो फैमिली होती है, पौधों की अलग अलग फैमिली होती है, कुल होते हैं। आप लोग बड़ी कक्षा में पढ़ोगे कि मटर कुल भी पौधों का एक ग्रुप है। तो मटर कुल के जो पौधे होते हैं उसमें फली वाले पौधे आते हैं, जैसे मटर हो गई, चना हो गया, है ना। तो इनकी जड़ों में ना छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। ये गांठ है ना, ये आपको दिखाई दे रही है, और इस गांठ के अंदर एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ये मित्र जीवाणु हैं पौधे के लिए, ठीक। तो ये नाइट्रोजन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं? नाइट्रेट्स बनाते हैं। ये इनका बढ़ा हुआ चित्र आपको ये दिखाई दे रहा है। ये जीवाणु किस प्रकार के होते हैं? इनका नाम होता है बेसिलस रेडिसिकोला, है ना, और ये लेग्यूमिनेसी कुल के हैं पौधे। तो इन्होंने क्या बना दिया? नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट बना लिया, और ये जो नाइट्रेट है इस पौधे की वृद्धि के लिए गुणकारी है, ठीक है। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। ये आया आपको समझ में? अब इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन, मात्रा के आधार पे, है ना। पेड़ पौधे, मनुष्य हो या पशु हो, कोई भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पौधों में, ये श्वसन क्रिया के विपरीत होती है ना। जैसे हमने कहा कि पेड़ पौधे भी जब सांस लेते हैं तो सांस लेते समय तो वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन हरे पौधों में एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया के द्वारा वो ऑक्सीजन निकालते हैं, उत्सर्जन करना मतलब निकालना। तो पौधों ने मात्रा ऑक्सीजन की बराबर कर दी। कैसे? पहले तो उन्होंने श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की तो ऑक्सीजन चली गई पौधों में, लेकिन जब उन्होंने अपना खाना बनाया हरी पत्तियों के द्वारा तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे। तो वो ऑक्सीजन अब किसके काम आएगी? बाकी जीवधारियों के श्वसन के काम आएगी, ठीक है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। देखिए अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। एक बार और बोलूं, फोटोसिंथेसिस। ये है प्रकाश संश्लेषण। अब इस पौधे में देखिए हरी पत्ती है, ठीक है। अब इसमें पानी है, एक तो सूर्य की गर्मी चाहिए, ठीक है, और इन्हें पानी चाहिए और इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तीन चीजों की आवश्यकता दिख रही है प्रकाश संश्लेषण के लिए: सूर्य की रोशनी या गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी, ठीक है। इन तीनों की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन बनाता है। आप और बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे कि पत्तियों में और कौन से भाग होते हैं, पर्णहरिण पाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो फिर यहाँ पे बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी यहाँ पे संतुलित हो रही है क्योंकि वातावरण में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से पौधे बहुत सारी मात्रा को भोजन बनाने में काम ले रहे हैं। तो ये जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है गैस, अब ये पौधों ने काम में ले ली तो यहाँ पे वायुमंडल शुद्ध हो गया और पौधे इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए एरो का चिन्ह बाहर की तरफ है ना, तो पौधे हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन
दे रहे हैं, है ना। और ये शुगर शर्करा का भी निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से पौधे गैसों के संतुलन में बहुत भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हमें हरे पौधों को बचाना चाहिए, हमें नए पौधे लगाना चाहिए। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य गैसों वाला हमने जो प्रतिशत देखा था उसमें एक प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस लिए आवश्यक है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के कारण ही बना रहता है। अगर हम पेड़ों की कटाई करेंगे या फिर हम कई प्रकार की वस्तुओं को जलाएंगे, अगर हम गाड़ियां चला रहे हैं तो उसमें पेट्रोलियम का दहन हो रहा है ना, और कारखानों में कई प्रकार का दहन हो रहा है, तो उससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वायुमंडल में जो है वो असंतुलन आ जाएगा। इसलिए हमें पेड़ों की कटाई नहीं करना चाहिए और पेट्रोलियम या अन्य प्रकार के ईंधन के दहन की क्रिया को भी सोच समझ के संतुलित रूप में करना चाहिए। और इसका प्रभाव पड़ता है मौसम और जलवायु पर। तो मौसम, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, हमेशा आप सुनते होंगे कि आज मौसम ऐसा है या कैसा है, अच्छा है खराब है। और जलवायु के बारे में भी बात होती होगी कि जब किसी मरीज की तबीयत खराब होती है तो उसको कहते हैं कि जलवायु बदलने के लिए इन्हें पहाड़ों पर ले जाइए, वहां पे अच्छी जलवायु होगी तो स्वास्थ्य का लाभ होगा। तो मौसम और जलवायु शब्द के बारे में आपने सुना तो जरूर है, लेकिन उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे भी। देखिए, पर्यावरण असंतुलन का परिणाम कैसे हो सकता है। ये यहाँ पर हरियाली दिख रही है, अगर हमने पेड़ों को बचा के रखा है, नए नए पौधे लगाए हैं, फॉरेस्टिंग की है, तो यहाँ पे इंद्रधनुष छाया हुआ है, ये तो खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन अगर हम ध्यान ना दें और पेड़ों को जला डालें, सुखा डालें, कोई केयर ना करें उनकी, तो ये सूख गए और ये देखिए आप पूरा वातावरण किस तरीके का हो गया, धुआं ही धुआं फैला हुआ है और ये रद्दी फैली हुई है। देखिए, इस कचड़े का तो कोई निस्तारण नहीं हो सकेगा। तब क्या होगा? ना काम आएगी कोई भी दुआ यदि जल और पेड़ों का नाश हुआ। तो बताइए, हमें जल और पेड़ों की सार संभाल करनी है या नहीं? करनी है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये एक पारिभाषिक शब्द है, मतलब आपको ये जानना चाहिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, पृथ्वी को ही एक हम ग्रीन हाउस के रूप में समझेंगे बच्चों। जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे क्या करते हैं कि एक कांच का घर जैसा बना होता है और उसके अंदर पौधों को लगा दिया जाता है। अब वो कांच का जो घर है, अब आप ध्यान रखिए कि वो ठंडी जगह है, काफी ठंडी जगह है, तो पौधों को गर्मी चाहिए ठंडक से बचने के लिए। तो कांच के घर में क्या होगा, कांच गर्म होगी और गर्म होके पौधों को गर्मी देगी और वहां की गर्मी को बनाए रखेगी, ठीक है। तो ये तो ठंडी वाले माहौल के लिए बहुत अच्छा हो गया कि पौधों को गर्मी मिल गई और वो बच गए। अब यहाँ खुली पृथ्वी अगर इसी प्रकार का एक ग्रीन हाउस बन जाए जो कि गर्म है और अपने अंदर गर्मी को बनाए हुए है, तो क्या होगा, ये क्यों होगा? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रमुख गुण है, ध्यान रखिएगा, कि ये ऊष्मा को या गर्मी को सोख लेती है, सोख के या अवशोषित करके रखती है। तो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज्यादा गर्मी को सोख लेगी, जितनी ज्यादा गर्मी को सोख लेगी तो उतनी ज्यादा पृथ्वी में गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इधर उधर नहीं जा रही है, ऊष्मा पृथ्वी पे भी बनी हुई है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तो आप क्या उत्तर दोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यही प्रभाव है पृथ्वी को गर्मी देना, पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा निकल रही है उसको वहीं के वहीं रोक कर रखना। तो एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और कई प्रकार के नुकसान होंगे। अब नुकसान क्या होंगे? ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरी दुनिया की गर्मी बढ़ जाएगी, है ना।
अब गर्मी बढ़ेगी पृथ्वी में तो क्या होगा? आपको पता है कि हमारे ध्रुवों पे, पृथ्वी के ध्रुवों पे क्या है? बर्फ है, महासागर है ना? तो ध्रुवों पे जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी जब गर्म होगी तो वो गर्मी कहीं ना कहीं से ध्रुवों तक पहुंचेगी और वहां जो जमी हुई बर्फ है वो पिघलने लगेगी। पिघलेगी तो वो पानी पिघल कर कहाँ आ जाएगा? समुद्र में आ जाएगा। अब समुद्र का जो जल का लेवल है, जो स्तर है, वो ऊंचा उठेगा, बढ़ेगा, और बढ़ के पानी समुद्र से बाहर निकल के कहाँ चला जाएगा? अपने किनारे की जगहों में चला जाएगा। तब समुद्र के तट पे जो जगह है वहां पे कैसी स्थिति बनेगी? बाढ़ की स्थिति बनेगी। ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। गर्मी से ही बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघलने से समुद्र का पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ के अपने आसपास की जगह पे बाढ़ ला रहा है। इससे क्या होगा? कई देश तो तबाह हो जाएंगे और पर्यावरण पे संकट आ जाएगा, बल्कि आ ही चुका है। ये सारे हम पर्यावरणीय संकटों के अभी आमने सामने हैं, बिल्कुल हम मुहाने पे खड़े हुए हैं। देखिए, ये कारखानों का जो हम विकास के नाम पे जो हमारे बहुत सारे कारखाने चलते हैं, जिन्हें हमने अपनी जरूरत बना लिया है सुख सुविधाओं के लिए, तो ये किस प्रकार वातावरण की गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ाने से ये देखिए आपको यहाँ ये हिमनद है, ये सब क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं, क्रैक आ रहे हैं इनमें। अब ये सभी पूरी तरह पिघल के क्या हो जाएंगे? समुद्र की मात्रा, पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे। और ये देखिए, ये काला धुआं चारों तरफ है ना, और ये तबाही का चित्र हमको दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक वैश्विक समस्या है और इसके निपटारे के लिए सारे देशों को मिलकर काम करना होगा। और एक परिभाषा आपको याद करनी है कि वायु चक्र क्या है। तो ये ठंडी और गर्म हवा का चक्र है। तो ठंडी और गर्म हवा एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं। कैसे लेते हैं ये हम चित्र में देखेंगे। ये देखिए, ये हॉट एयर लिखा है, मतलब गर्म हवा। तो हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, राइजेस मतलब ऊपर उठना। तो गर्म हवा का गुण होता है ऊपर उठना। जब हम पानी गर्म करते हैं किसी बर्तन में तो पानी जो है वो क्या होता है? गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उठता है ना। तो हवा भी इसी प्रकार हल्की होती है और ऊपर उठती है। ये ऊपर गई, ठीक है, और ऊपर जाके वो ठंडी हो गई हवा। अब ठंडी होके ये नीचे आती है। ठंडी हवा भारी होती है तो उसका गुण रहता है नीचे आना। ये नीचे आ गई और नीचे ठंडी हवा बन के नीचे आता जाता है, और गर्म जब होती है यहाँ पे तो गर्म होके ऊपर जाती है। तो ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों का आवागमन बना रहता है। इसे ही कहते हैं वायु चक्र। ये है हमारा वायुमंडल। देखिए इसकी संरचना कितने भागों में बंटा हुआ है। ये शोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और उसके बाद आयन मंडल। ये पूरी गोलाई में पृथ्वी के बाहर हमको मिलेगा, ये है ना, संपूर्ण पृथ्वी के बाहर। तो सबसे नीचे जो शोभ मंडल है वही क्या होगा? हमारी पृथ्वी के पास का मंडल हुआ है ना। इनकी सबकी हम एकदम अलग अलग विशेषता भी देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको किलोमीटर में दिख रहा है, 10 किलोमीटर तक शोभ मंडल दिख रहा है। फिर ये 50 किलोमीटर तक हमको संताप मंडल दिख रहा है। फिर 80 किलोमीटर तक बच्चों आपको मध्य मंडल दिखाई दे रहा है ना, 50 से 80 के बीच में है। और 80 से ऊपर 400 किलोमीटर के बीच में क्या है? आयन मंडल। तो इनको हम एक एक करके समझेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल लगभग 13 किलोमीटर, हमने चित्र में 10 किलोमीटर देखा है ना, तो वही लगभग 10 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से के बीच में क्षोभ मंडल होता है। और जो वर्षा की घटना है, ओलावृष्टि है, कोहरा है, ये सभी घटनाएं इसी जगह पर होती हैं, है ना। और हमारे श्वसन के लिए वायु भी इसी मंडल में उपस्थित होती है। तो क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? वर्षा होना, ओलावृष्टि होना, कोहरा छाना, ठीक, और श्वसन के लिए वायु होना। अब उसके बाद ये आप चित्र देखिए, ओले गिरने की घटना आपने जरूर देखा होगा, कभी न कभी अनुभव किया होगा कि किस प्रकार अंधड़ के साथ वर्षा होती है और वर्षा में ओले गिरते हैं। इसे ही कहते हैं ओलावृष्टि।
और कोहरे का भी अनुभव आपने किया होगा कि जब कोहरा छाया होता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और गाड़ियों को दिन में भी लाइट जलाकर चलाना पड़ता है ना। तो ये कोहरे वाली घटना भी कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। अब ये है संताप मंडल, जो क्षोभ मंडल के ऊपर है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यहाँ मौसम वाली घटनाएं नहीं होती, यहाँ हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त स्थिति होती है, आदर्श स्थिति होती है। तो संताप मंडल की दो विशेष बातें आपको याद रखनी है, हवाई जहाज की उड़ान, कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है तो आप बताएंगे संताप मंडल में। और एक महत्वपूर्ण चीज है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से रक्षा ओजोन गैस के द्वारा होती है। तो ओजोन गैस की परत होती है जो पृथ्वी को अल्ट्रा वायलेट किरण से बचाती है, ठीक है। ये है ओजोन गैस की परत जो एक छतरी की तरह पृथ्वी को बचा के रखे हुए है ना। ये सब सम्मेलनों के नाम दिए हुए हैं बच्चों, बेल्जियम का है, यूके है, जहां जहां ये सम्मेलन हुआ है, इजिप्ट सम्मेलन, ये दिख रहा है ना, ये ओजोन की परत में छेद हो गया है, तो छेद से गर्मी आ रही है ज्यादा से ज्यादा, तो उसे रोकने के लिए हमें कार्बन के उत्सर्जन की दर को कम करना होगा। अब उसके ऊपर हमारा मंडल आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जब भी आप इसको फिर से रिविजन करेंगे तो वीडियो में फिर से आप पीछे चित्र को देख लेंगे, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड यहाँ जल जाते हैं, ठीक है। तो इसका मध्य मंडल की विशेषता आपको बताना है कि उल्का पिंड यहाँ पे आके जल जाते हैं। अगर नहीं जलेंगे तो क्या होगा? पृथ्वी पे आकर नुकसान पहुंचाएंगे। ये है उल्का पिंड, जिसे आप साधारण भाषा में तारों का टूटना कहते हैं, कि अरे वो देखो तारा टूट रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये नुकसान पहुंचाते हैं पृथ्वी की सतह पर गिर के। अब है बाह्य वायुमंडल, ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और यही आयन मंडल है ना। तो आयन मंडल कहाँ है? बाह्य वायुमंडल में। और ये क्या करता है? रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है। तो ये हमारे सैटेलाइट वगैरह का जितना भी काम है बाह्य वायुमंडल में होता है। ये है रेडियो तरंगे ट्रांसमिशन, ये आपको दिख रहा है खंबा, इसको आप बड़ी कक्षा में और अच्छे से समझेंगे। अब मौसम, जहां पे हमने बात छोड़ी थी, तो मौसम क्या है? दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं, ठीक है। ये जल्दी और आसानी से बदलता है। वायुमंडलीय दशा क्या है? जैसे कि तापमान है, मतलब कि हम कहते हैं आज गर्मी है तो वो तापमान है ना, या ठंडी है तो ठंडी भी तापमान की एक दशा है। आर्द्रता मतलब हवा में नमी होगी, वर्षा की स्थिति और दाब, हवा के दबाव की स्थिति, ये सभी मिलके वायुमंडलीय दशाएं कहलाती हैं। तो दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं, कि आज तापमान अधिक है और किसी दिन तापमान कम है, अभी बहुत तेज धूप निकली है उसके थोड़ी देर बाद बारिश हो गई। तो ये जल्दी और आसानी से अगर बदल रहा है तो वो मौसम है। मौसम फटाफट बदल, एक ही दिन में, अगर आप स्कूल जा रहे होंगे तो हो सकता है कि धूप छाई हो, लेकिन अगर आप स्कूल पहुंचे तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि बादल घिरा है और पानी भी गिरने लगा। ये देखिए आप स्कूल जा रहे हैं है ना, अब ये बादल घिरना शुरू हो गए और थोड़ी देर बाद कैसा मौसम हो गया? बारिश का मौसम हो गया और सबके रेनकोट और छतरियां बाहर निकल आई। तो मौसम में इसी प्रकार एकाएक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जलवायु जो है उसमें ऐसा नहीं होता। जलवायु में भी वही वही विशेषताएं हैं जो जो मौसम में है, तापमान होगा, नमी होगी, ठंडी होगी, वर्षा होगी, वायु दाब होगा, लेकिन ये दीर्घकाल की परिस्थितियों का इसमें मापन किया जाता है, कम से कम 30 साल तक की घटनाएं। जैसे छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो लगभग यहाँ के 30 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा और बताया जाएगा कि यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, कितनी गर्मी पड़ती है ना। तो यही सब चीजों को जलवायु में मापा जाता है। और जलवायु में परिवर्तन ऐसा नहीं होता कि तुरंत हो जाए, ये परिवर्तन काफी लंबे समय के बाद दिखाई देता है। जैसे हम यहाँ लगातार जंगल काटते रहेंगे तो 20-30 साल बाद वो परिवर्तन नजर आएगा। तो
अभी हमारी पाठ तो आधा हुआ है हमारा, तो हमने इसमें देखा वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना और मौसम और जलवायु की जानकारी। तो आपको मैं आगे पढ़ाने के स्थान पर पहले थोड़ा सा प्रश्न पूछ लेती हूँ। वायुमंडल की दो प्रमुख गैसों का नाम बताइए, और इसमें आपको उत्तर बताना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? इसका उत्तर है हरे पौधों में। हरे पौधों में होती है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है? तो जो गर्मी सोखती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ के इन तीन प्रश्नों को आप गृह कार्य के लिए नोट करिए कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है, जो हमने शुरू में चित्र दिखाया है और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, उसके अनुसार वर्णन करिए। वायुमंडल में कितनी परतें हैं, जो हमने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल देखा, मध्य मंडल, उनको बनाएंगे, है ना। समताप मंडल की विशेषता भी आपको तीसरे प्रश्न में लिखनी है। अब इसके बाद हम मौसम और जलवायु के तत्वों पे एक नजर डालते हैं। देखिए, तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षा, ये सभी मिलके मौसम का निर्माण करते हैं। तो तापमान को मापते किससे हैं बच्चों? तापमान को तापमापी से मापा जाता है, और इसकी इकाई क्या है? सेल्सियस। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए, तापमान हमें कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से हमें तापमान मिल रहा है। तो भूमध्य रेखा पे बहुत ज्यादा हमें तापमान मिल रहा है, और ध्रुवों पे सूर्य की किरणें तिरछी हो गई, तो ध्रुवों पे क्या होता है? कम मात्रा में तापमान जाता है। तो एक शब्द है आतपन। सूर्य से जो भी गर्मी आ रही है ना, उसको पृथ्वी थोड़ा सा अपने आप में सहेज लेती है, और इसी गर्मी को सहेजने की क्रिया को आतपन कहते हैं। आप बताइए, गांव और शहर दोनों में अधिक तापमान किसका रहेगा? शहर का तापमान अधिक रहेगा, क्योंकि गाड़ी मोटर चलती हैं, पक्के घर हैं, है ना, और गांव अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। और दिन और रात में ज्यादा गर्मी कब लगती है? दिन में ज्यादा गर्मी लगती है ना। और उसी प्रकार ध्रुव जो है वो ठंडे रहते हैं, और जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले प्रदेश हैं वो गर्म होते हैं। दूसरा तत्व है वायु दाब। ये मौसम और जलवायु के कारक है ना। तो पृथ्वी पे वायु के द्वारा दबाव डाला जाता है, तो सबसे नीचे वाली जगह पे सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है, और ऊपर जैसे बढ़ते हैं तो दबाव कम होता जाता है। तो समुद्र सतह पे दबाव कम रहेगा, और जब ऊपर बढ़ते जाएंगे ऊंचाई की तरफ तो दबाव अधिक होता जाएगा। तो जहां अधिक ताप होगा वहां वायु दाब कम रहता है, इन दोनों में विपरीत संबंध रहता है ना। और जहां कम ताप रहेगा वहां पे दबाव अधिक रहेगा, मतलब एक चीज को घटाएंगे तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। और दाब और ताप के ऊपर ही मौसम निर्धारित होता है, फिक्स होता है। देखिए, ये है स्वच्छाकाश और ये है बादल युक्त आकाश। ये दो प्रकार के मौसम थे आपके सामने, और ये अंतरिक्ष यात्री की पोशाक है, इसमें वायु भरी हुई है ना। क्यों भरी हुई है? क्योंकि यहाँ पे हमको वो जो दाब है उस दाब को बनाए रखना है, क्योंकि अगर दाब नहीं रहेगा तो हम अपनी जगह पे स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो स्थिरता को बनाए रखने के लिए इनको विशेष प्रकार की पोशाक पहनाई जाती है। अब पवन किसे कहते हैं? हम हवा, पवन, वायु सब एक ही समझते हैं, लेकिन भूगोल में पवन किसे कहेंगे? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन धीमी भी हो सकती है और तेज भी। धीमी पवन अगर होगी तो आप उसका उदाहरण अगरबत्ती के धुएं का लहराना आपने देखा होगा पूजा करते समय, और आंधी में वृक्ष जो लहराते हैं वो है तेज पवन का उदाहरण। देखिए, ये है, ये चालू कैसे हो गया? ये चालू हो गया। ये अगरबत्ती का ये जलना है जी, है ये चलता है, मतलब तो ये है अगरबत्ती का लहराना। पिछली बार चलाए थे लेकिन,
ये जी है, ये पता चल सकता है। अच्छा ठीक। हाँ, तो ये अगरबत्ती का जो जलना है तो ये धीमी गति के पवन का उदाहरण है, और ये जो आंधी में पेड़ पौधों का लहराना है ये क्या है, तेज पवन का उदाहरण है। ठीक है, अब पवन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। इन नामों को आप याद रखेंगे, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय। ये स्थायी अलग है और स्थानीय अलग है बच्चों। स्थायी पवने क्या होती हैं, जैसे इसका उदाहरण है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन क्या होती है, साल भर एक ही दिशा में चलती है ना। और मौसमी पवन जैसे मानसून है, ये मौसम के साथ बदलती है। आपको मालूम होगा कि जून के महीने में मानसून एक दिशा से आता है, और उसके बाद जब शीत ऋतु आती है तो हिमालय पर्वत तक जाने के बाद टकरा कर वहां से दिशा परिवर्तन कर लेता है मानसून, है ना। तो ये अलग अलग ऋतु में दिशा परिवर्तन कर रही है। ऊपर वाली स्थायी पवन दिशा नहीं बदल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। और स्थानीय पवन क्या है, जैसे कि गर्मी के दिनों में लू चल रही है उत्तर भारत में, एकदम गर्म हवाएं चल रही हैं, तो वो हो गई स्थानीय पवन। तो ये वहां की स्थानीय पवन है, एक ही जगह पे वहां पे लू चल रही है। ये पवन के प्रकार थे। अब आप इसको देखिए चित्र को, कि आपको भूमध्य रेखा ये दिख रही है, ये ध्रुव दिख रहा है ऊपर और नीचे, है ना। तो ध्रुव तो ठंडे होते हैं आपको मालूम है, तो ये शीत कटिबंध हो गया, ये भी शीत कटिबंध हो गया। आपको ये भी पता है कि भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, तो इस पूरे एरिया में, भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर और भूमध्य रेखा के थोड़े नीचे, इस पूरे एरिया में उष्ण कटिबंध कहलाएगा। ये भी उष्ण कटिबंध, ये भी उष्ण। उष्ण का मतलब क्या है, गर्म, गर्मी है। तो ऊपर और नीचे ठंडा और बीच में हो गया गर्म। अब बीच में जो गुलाबी गुलाबी हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, ये मिक्स एरिया है। यहाँ ठंडी का भी प्रभाव है और गर्मी का भी प्रभाव है। तो दोनों शब्दों को मिला दिया हमने, शीतोष्ण। ठीक है, तो ये उत्तर में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया, और ये विषुवत ध्रुव के नीचे है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। तो ये हमारी प्रमुख वायुदा पेटियां हैं। ये दिशा को बताने वाला यंत्र है जिसे कहते हैं वात दिग्दर्शी। ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये ईस्ट दिख रहा है आपको, है ना, मतलब पूर्व और पश्चिम है उस साइड को। तो ये तीर जो है जिधर से हवा चलती है तो उसके फ्रंट में घूम जाएगा, और इस तरह से हवा के चलने की दिशा को बताएगा, वात दिग्दर्शी। और ये भीषण रूप है चक्रवात, जब बहुत ही ज्यादा भीषण गति से पवन चलती है तो उत्पात मचाती है और बहुत ज्यादा उसका प्रबल वेग होता है। तो ये कहाँ पर आया था, एक घटना हम आपको बताएंगे, उड़ीसा में चक्रवात। समुद्री जगहों पे बहुत चक्रवात आते हैं, और इतना भीषण था कि उसे महाचक्रवात भी कहा गया था। 1999 में आया था और इस तरह चक्रवात ने वहां पर तबाही मचाई थी। इससे वर्षा, लगातार पानी गिरना, बाढ़ आना, और जो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं वो कई कई मीटर ऊंचे आए थे, और बिजली बंद हो गई, टेलीफोन सुविधा बंद हो गई, और बहुत सारे नगर, कटक और भुवनेश्वर सहित तटीय नगर, तृतीय नहीं है, तटीय नगर यानी तट पे बसे हुए नगर प्रभावित हुए थे बच्चों, और बहुत ही तबाही यहाँ पर हुई थी। और ये एक और हमारा कारक है जलवायु, या फिर मौसम का, वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आपको मालूम होगा कि वर्षा के दिनों में हवा कैसी गीली गीली सी रहती है, तो हमारे कपड़े नहीं सूखते, काफी देर में सूखते हैं, है ना, तो चिपचिपापन रहता है और पसीना इसमें निकलता है जब वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। देखिए, पंखा चलाने की आवश्यकता पड़ती है, एयर कंडीशनर चलाने की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ तो सूरज को भी पसीने छूट रहे हैं, तो उमस वाला दिन बहुत ही कठिन हो जाता है। और वर्षा से भी आप परिचित हैं कि जब सागर का पानी या जहां भी पानी है वो सब गर्म होते हैं सूर्य की गर्मी से, गर्म होके भाप बन जाते हैं, फिर ऊपर जाकर ठंडे होते हैं,
और ऊपर जाके बादल बन जाते हैं ठंडे होके। और इन्हीं बादलों का वजन जब बढ़ जाता है, उनमें बूंदों की मात्रा बहुत हो जाती है, तो वो बरस पड़ते हैं। तो इस तरह बादलों से वर्षा होती है और वर्षा को ही वर्षण भी कहा जाता है। ये वर्षा के प्रकार हैं चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। अभी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। ये संवहनीय वर्षा है और ये पर्वतीय वर्षा है। इसमें आपको ये चीज याद रखनी है बच्चों, वृष्टि छाया यहाँ से इधर से आ रही है ना, अगर वर्षा हमारी बादल आ रहे हैं इधर से, तो पहाड़ के ऊपर इस साइड तो बहुत पानी गिराएंगे, है ना, लेकिन पर्वत के दूसरी ओर जाते समय उनमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो इधर वर्षा नहीं होती, इसलिए उस प्रदेश को वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। ये वर्षा का एक रूप है हिम वर्षा, रुई की तरह हिम के गोले गिर रहे हैं और ओले भी गिरते हैं। तो आज हमने मौसम और जलवायु के तत्व के रूप में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन और वर्षा को पढ़ा। तो आप खाली स्थानों के उत्तर बताइए फटाफट। तापमान को मापने की इकाई क्या है बच्चों? सेल्सियस। इनका वो म्यूट है क्या? म्यूट है ना बच्चों? आप लोग बोल इसका उत्तर दे सकते हैं। तापमान को मापने की इकाई क्या है बच्चों? सेल्सियस। गुड। अब बताइए, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे वायु दाब क्या होता है? उल्टा संबंध है, एक चीज कम होता है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो वायु दाब कम हो जाएगा और तापमान घटाएंगे तो बढ़ वायु जाएगा। बढ़ जाएगा। गुड, आप समझ गए हैं। अगला देखते हैं, उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले किस चीज का खतरा बना रहता है? हाँ, चक्रवात। चक्रवात का खतरा बना रहता है। 1999 में भीषण वहां पे महाचक्रवात आया था। साल भर निश्चित दिशा में, मतलब एक ही दिशा में चलती है जो पवन, उसे क्या कहते हैं? पवन। व्यापारिक पवन। और जो ठंडी के दिन में अपनी दिशा बदल लेती है उसे कौन सी पवन कहते हैं? मौसमी पवने, है ना। जैसे मानसून हमने पढ़ा ना कि ग्रीष्म ऋतु में एक दिशा समुद्र से थल की ओर चलती है, कि शीत में थल से समुद्र की ओर, है ना। अब देखते हैं अगला गृह कार्य है बच्चों आपका, कि गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक क्यों होता है? आप उसका उत्तर देना चाहें तो बिल्कुल दीजिए, फिर कॉपी में तो आपको लिखना ही है ये। देना चाहेंगे? देखो, गांवों में कच्चे मकान होते हैं, गांवों में गाड़ी मोटर कम चलते हैं, जबकि शहरों में गाड़ी मोटर भी बहुत चलते हैं, कारखाने भी बहुत होते हैं और वहां पे पक्के मकान ज्यादा होते हैं, कंक्रीट की सड़कें, इसलिए गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। अब वर्षा कैसे होती है, तो इसका उत्तर आप वीडियो की सहायता से और अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से बताएंगे। और अंतरिक्ष यात्री स्पेस सूट क्यों पहनते हैं, विशेष प्रकार की जो पोशाक पहनते हैं ना, उसका कारण आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो ये पाठ आपको समझ में आया? यस और कोई अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं पाठ से संबंधित। नहीं है कोई प्रश्न? अच्छे से आ गया समझ नहीं। में? तो फिर हम यहाँ पे अपनी कक्षा आज की समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।